हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो बात करने वाला हूँ AOC प्लेसमेंट और फार्मर की जॉइनिंग के बारे में कि यहाँ पर AOC में जॉइनिंग लेटर कब से जारी किए जाएंगे, प्लेसमेंट और फार्मर में जॉइनिंग कब तक होगी, और जिन कैंडिडेट ने अभी तक यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया क्या उनके यहाँ पर जॉइनिंग लेटर को रोका जाएगा, क्या उनके जॉइनिंग लेटर कब तक आएंगे, पहले जॉइनिंग किस कैंडिडेट की होने वाली है, किसके यहाँ पर जॉइनिंग लेटर सबसे पहले आएंगे, किसका लेट आएगा। दोस्तों, कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पर AOC प्लेसमेंट और फार्मर में जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, अपने यहाँ पर जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, जॉइनिंग डेट का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो के एंड तक देने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि AOC जॉइनिंग से जो भी आपके डाउट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी क्लियर हो सकें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जिन कैंडिडेट के यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके यहाँ पर जॉइन लेटर आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, जिन कैंडिडेट ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया है और एफिडेविट यहाँ पर सेंटर में सबमिट किया है, उन कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइनिंग नहीं होने वाली है। स्पेशली दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूँ कि हाँ, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन ना करवा कर एफिडेविट सबमिट किया सेंटर में, उनकी यहाँ पर जॉइनिंग नहीं होने वाली है। सबसे पहले उन कैंडिडेट के पास यहाँ पर जॉइन लेटर आने वाले हैं जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर पुलिस वेकेशन और डेवी सबसे पहले करवाया था, उनके यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जॉइन लेटर आएंगे और उन्हीं के यहाँ पर सबसे पहले जॉइनिंग होने वाली है। दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर एफिडेविट सबमिट किया था सेंटर में, उनके यहाँ पर जॉइनिंग लेटर को रोका जाएगा, करीब यहाँ पर 2 महीने तक उनके जॉइनिंग लेटर को रोका जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेंटर वाले चेक करेंगे यहाँ पर उनका पुलिस वेकेशन क्यों नहीं हुआ, क्यों यहाँ पर एफिडेविट सबमिट किया है। दोस्तों, छानबीन और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आपने, उनकी छानबीन होने के बाद आपके यहाँ पर जॉइनिंग होने वाली है। पर दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने डेवी और पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले करवाया था उनके सबसे पहले यहाँ पर जॉइन लेटर आएंगे, उन्हीं की सबसे पहले यहाँ पर जॉइनिंग होने वाली है प्लेसमेंट में और फायरमैन में। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने अभी यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया है और वो एफिडेविट सबमिट करने की सोच रहे हैं, तो वो दोस्तों वो एफिडेविट सबमिट ना करें, वो पुलिस वेकेशन कराएं किसी भी हाल में। अगर आपको यहाँ पर जॉइनिंग पहले चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आपको यहाँ पर पुलिस वेकेशन करानी होगी। और जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर एफिडेविट सबमिट कर ही दिया है, उनके यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि वो अपने यहाँ पर पुलिस वेकेशन करा लें। तो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले, यहाँ पर जॉइनिंग सभी की होगी, किसी की यहाँ पर पहले होगी, किसी की बाद में होगी। जिन कैंडिडेट ने डेवी और पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर पहले करवा लिया, सही से करवा लिया, उनके यहाँ पर जॉइनिंग सबसे पहले हो जाएगी। और जिन्होंने यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया, एफिडेविट सबमिट किया, उनके यहाँ पर जॉइनिंग सबसे लास्ट में होने वाली है। दोस्तों, ये बात है यहाँ पर किसका कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइन लेटर आएगा, किसका नहीं आएगा, ये आपको मैं बता दिया है। दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूँ कि AOC प्लेसमेंट में और फायरमैन में जिन कैंडिडेट ने डीबी और पुलिस वेरिफिकेशन सही से और सबसे पहले करवाया था, उनके यहाँ पर जॉइनिंग सबसे पहले होने वाली है। और सेकंड बात कर लेते हैं, यहाँ पर जॉइनिंग लेटर कब से जारी किए जाएंगे, जॉइनिंग कब से होगी। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि कुछ सेंटर और कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर जॉइनिंग लेटर जारी कर दिए गए। दोस्तों, नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर जॉइनिंग स्टार्ट होने वाली है। धीरे धीरे हर सेंटर से यहाँ पर जॉइन लेटर जारी किए जाएंगे, हर कैंडिडेट के पास यहाँ पर जॉइन लेटर आने वाला है। तो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट घबराए नहीं, ना ही टेंशन न ले। आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले, सभी सेंटर से यहाँ पर जॉइन लेटर जारी किए जाएंगे। 5 या 7 दिन में सभी सेंटर पर यहाँ पर जॉइन लेटर इशू कर दिए जाएंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे आप किसी भी सेंटर से हो, अम्बाला से हो या फिर आगरा से, किसी भी सेंटर से हो, सभी सेंटर्स में से यहाँ पर जॉइन लेटर जारी कर दिए जाएंगे 5 या 7 दिन के अंदर। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर फाइनल मेरिट से सिलेक्शन नहीं होता, वो कैंडिडेट सभी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कम से कम उनको अभी यहाँ 4 महीने रुकना होगा। तो दोस्तों, 4 महीने के बाद ही पता चलेगी यहाँ पर AOC प्लेसमेंट में और फाइनल में वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों जब भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आती है किसी भर्ती में, जॉइनिंग कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को निकाला जाता है। पर दोस्तों, अभी यहाँ AOC में अभी जॉइनिंग चल रहेगी एंड देन उसके बाद यहाँ जॉइनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में सोचा जाएगा, उसके बारे में तभी यहाँ पर पता चलेगी। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का वेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं,
उनको यहाँ पर 4 महीने और वेट करना पड़ेगा। AOC में जॉइनिंग कंप्लीट होने के बाद ही जैसे कोई न्यूज़ आएगी वेटिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर जॉइनिंग से रिलेटेड या फिर वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। और रही बात यहाँ पर लिंक की, तो सोशल मीडियाज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकअप करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली दोस्तों इस चैनल पर आपको AOC से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हैं, सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। और दोस्तों स्पेशली अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।